India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के 28 जून के फैसले को चुनौती दी गई। फैसले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी। जस्टिस वी आर गवाई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला जिसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं है, बहुत ही तर्कसंगत है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने हाईकोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर अविश्वास जताने पर आपत्ति जताई। जवाब में जस्टिस गवई ने कहा कि हमारी राय में ये बहुत ही तर्कसंगत आदेश है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि आखिरकार आपके अनुसार न्यूट्रिशन किसी राजकुमार पहलवान के लिए किया गया, इसीलिए आपको मूल प्रवेशकर्ता के साथ कुछ संबंध दिखाने चाहिए। ये कहने के अलावा कि संपत्ति पर कुछ दौरे किए गए क्या है, जब एएसजी ने कहा कि हाईकोर्ट ने धारा 50 के कथनों की पूरी तरह से अवहेलना तो की। जस्टिस गवई ने कहा कि उन्हें अवहेलना करने के लिए वैध कारण दिए गए हैं। एएसजी ने जब आगे तर्क करने की कोशिश की तो जस्टिस गवई ने चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। हम स्पष्ट करते हैं कि एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई टिप्पणी जमानत पर विचार करने से संबंधित है। इसे ट्रायल जज पर ट्रायल या किसी अन्य गवाही कार्यवाही में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवाई ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सार्वजनिक समारोह में ट्रायल जज द्वारा जमानत देने में अनिच्छा के बारे में दिए गए बयान का भी उल्लेख किया। वही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को सोमवार को बड़ा झटका देते हुए वंचित वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने पर रोक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा। बिहार सरकार ने एससी एसटी ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी और बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बेंच ने कहा कि मामले पर विचार किया जाएगा और अंतिम सुनवाई के लिए सितंबर में सूचीबद्ध करेंगे। बिहार सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि इस आरक्षण के तहत सैकड़ों नौकरियों के इंटरव्यू होने हैं। फिलहाल कोर्ट में बिहार में वंचित आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिए जाने के मामले में बिहार सरकार को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है और सितंबर में इस पर विस्तृत सुनवाई होगी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। सरकार का कहना है कि अगर रोक नहीं लगी तो भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट का ये निष्कर्ष कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ये राज्य के विवेक का हनन है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने वंचितों आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50% बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द कर दिया था। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार के एनसीपी गुट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी के अजित पवार गुट के सदस्यों को अयोग्य ठहराने के से इनकार को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्थीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता याचिका की स्वीकार्यता के बारे में तर्क पर मामले के अंतिम निपटान के चरण में दोष और गुण के साथ ही निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनौती पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की लंबित याचिका के साथ ही सुनवाई की जाएगी, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के साथ ही स्पीकर के साथ ही इनकार को भी चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे, सभी आपत्तियों पर सुनवाई योग्यता के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अन्य प्रतिवादियों को दस्ती देने की स्वतंत्रता है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट डॉक्टर ए एम सिंघवी ने किया है। फरवरी में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उन विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार किया था जिन्होंने दायर के बाद अजीत पवार का समर्थन किया था। स्पीकर ने चुनाव आयोग के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी माना गया है। ये ध्यान देने योग्य है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली शरद पवार गुट की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अजीत पवार गुट की कार्रवाई को संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल के रूप में मानने से इनकार करते हुए स्पीकर नार्वेकर ने कहा कि एनसीपी के भीतर अंदर पार्टी असंतोष की प्रकृति है और ऐसे में पार्टी के सदस्य दो नेताओं यानी कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच आपको बता दें कि विभाजित है, ये भी कहा है। साथ ही साथ एनसीपी में दरार की उत्पत्ति ये मुद्दा तब उठा जब अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाले एक धड़े ने एनसीपी सुप्रीम शरद पवार से नाता तोड़ लिया और बीजेपी और शिंदे सेना से हाथ मिला दिया। अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने जुलाई 2023 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। आधिकारिक एनसीपी ने अजीत पवार और शिंदे सरकार में शामिल हुए 8 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करके प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बदले में अजीत पवार ने दावा किया कि उनके पास एनसीपी के अधिकांश विधायकों का समर्थन है। अजीत पवार गुट की ओर से भी याचिकाएं दायर की गई। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 31 जनवरी 2024 तक की समय सीमा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के लिए समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी। दिल्ली की नई शराब नीति के में कथित घोटाला मामले के अंदर आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की और इस दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि इन मामलों में हम काउंटर और जवाबी जो जवाब के औचित्य को नहीं समझते हैं, हमें मेरिट के आधार पर फैसला करना होगा। ये कोर्ट ने ये तब कहा। सिंघवी ने एजेंसी के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एसजी के मुताबिक ईडी का काउंटर गुरुवार तक दाखिल किया जाएगा। एसजी राजू ने कहा है कि हमारा जवाब तैयार है लेकिन हमें उसमें कुछ प्रारंभिक आपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका है, उसी आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एसजी के जवाब आपत्ति जताई, कहा कि इनका जवाब चौंकाने वाला है। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। साथ ही सिंघवी ने भी अगर एजेंसी के जवाब में कुछ नया हुआ तो हम उस पर जवाब दाखिल करेंगे। सिसोदिया ने याचिका में 16 महीने से जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई का जवाब दाखिल हो चुका है, ईडी का जवाब बाकी है, इसके लिए हमें 1 अगस्त तक का समय दे रहे हैं और फिलहाल कोर्ट 5 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में सिसोदिया की ओर से दलील दी गई है कि वे 16 महीनों से जेल में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। कोर्ट 16 जुलाई को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था और उसने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब भी मांगा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीबीआई के मामले में नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में हुई है, जिसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया है कि केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। उन्होंने कहा कि केवल आरोप पत्र दाखिल करने से केजरीवाल को नियमित जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो गया है, लिहाजा वो निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करें। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की इन दलीलों का विरोध किया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि वो गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका में लाभ मिलता है तो अंतिम परिणाम क्या होगा। सीबीआई ने कहा कि फिर उनकी ये जमानत अर्जी का कोई जो है वो खत्म हो जाएगी। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के सूत्रधार हैं, केजरीवाल के गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं हो सकती थी और एक महीने के अंदर हमने इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसका मतलब है कि हमारी जांच इतने एडवांस स्टेज पर थी। पिछले एक महीने में जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो इस ओर इशारा करते हैं। सीबीआई के वकील ने कहा है कि 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें से 5 को गिरफ्तार नहीं किया गया। पिछले एक महीने में की अहम सबूत आए हैं जो कि हमने एक महीने में जांच पूरी कर ली है और चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल मंत्रिमंडल के प्रमुख भी हैं और उन्होंने इस नीति पर हस्ताक्षर किए हैं, इसे अपने सहयोगियों में वितरित भी करवाया और एक दिन में सभी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये सब कोरोना के दिनों के दौरान हुआ था। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा था कि विजय नायर इस कथित नीति की एक प्रति लेकर आए थे जिसे कंप्यूटर में डाला गया था और केजरीवाल वहां मौजूद थे। यह उनकी मामले में सीधी संलिप्तता दिखाता है। सीबीआई ने कहा कि हमने मामले में 44 करोड़ रुपए की रकम का पता लगाया है, ये पैसा गुआ गया। केजरीवाल ने खुद अपने उम्मीदवार से कहा कि पैसे की चिंता मत करो, आप सिर्फ चुनाव लड़िए। सीबीआई ने कहा कि हम जैसे जैसे जांच में आगे बढ़े उनकी संलिप्तता भी सामने आने लगी, जिसका प्रमाण मिलने लगे हैं और ऐसे में अगर हमने ये सब पहले दिखाया होता तो गवाहों के प्रभावित होने और सबूत गायब होने की संभावना नहीं थी। सीबीआई ने कहा कि पैसा गोवा खर्च गया, खर्च का निर्देशन कौन करेगा। हमारे पास इस बात की सबूत है कि सभी उम्मीदवारों को 90 लाख रुपए दिए जाने थे। सीबीआई ने कहा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें जमानत पर सीधे हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट जमानत पर सुनवाई करने वाली पहली अदालत नहीं बन सकती है। इस मामले में अंतिम आरोप पत्र है और अब हम ट्रायल शुरू करने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि ये कुछ और नहीं बल्कि इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। क्या आपने कभी ऐसा मामला देखा है जहां 2023 में केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया जाए और उसके बाद कोई समन ना हो, फिर 2024 में गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ईडी मामले में 3 बार जमानत मिल चुकी है, जब से मुझे सीबीआई ने गिरफ्तार किया है तब से किसी गवाह से सामना आमना नहीं कराया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। सिंह ने कहा कि शराब नीति से निपटने के लिए 9 अंतर मंत्रालय समिति थी और इनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी थे और 1 साल के बाद जुलाई 2021 में नीति प्रकाशित हुई जो कि एक संस्थागत फैसला है। सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल ने इस पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल 15 अन्य लोगों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए जिसमें उपराज्यपाल ने भी हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में सीबीआई को उपराज्यपाल को सह आरोपी नहीं बनाना चाहता और लेकिन सीबीआई को अपने तर्क के अनुसार उन्हें भी आरोपी बनाना चाहिए और तो और मुख्य सचिव सहित 50 नौकरशाहों को भी सह आरोपी बनाया जाना चाहिए। सबमिशंस वर टू फोल्ड। नंबर 1, वी गेव द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ केजरीवाल साहब। मिस्टर अरविंद केजरीवाल राइट फ्रॉम डे 1, वी इट हैज नाउ एमर्ज्ड दैट ही वाज द मेन पर्सन वाज कंट्रोलिंग द एंटायर एक्साइज पॉलिसी, द एंटायर फ्रूट्स आल्सो ऑफ द एंटायर एक्साइज पॉलिसी और फ्रूट्स आई मीन टू से द ब्राइब्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड वर यू नो डिसबर्स्ड एज पर द विशेज ऑफ मिस्टर केजरीवाल। Mr. Kejriwal, it has also emerged solely responsible for influencing the entire policy vis-a-vis the officers or through his ministers. We also have now come across proof of his trying to,
इन्फ्लुएंस इवन दी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थ्रू पंजाब। देखिए आज पूरी आर्ग्यूमेंट में आपने भी देखा होगा, पूरी वेग आर्ग्यूमेंट थी सीबीआई की तरफ से, कहीं पर किसी तरह के कोई भी तथ्य आधारित आर्ग्यूमेंट नहीं थी। अभी तक 2 साल से लंबी ये इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, इसमें आज के आर्ग्यूमेंट के दौरान सीबीआई ने कहीं पर कोई ऐसी एविडेंस, जिस एविडेंस का उनके पास कोई प्रूफ हो, ऐसा कुछ भी कोर्ट के सामने नहीं दिखा पाए। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके की आज आर्ग्यूमेंट हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बहुत डिटेल में ये सब चीजें भी बताई कि ये पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी में 50 से ज्यादा ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, और इसके अंदर पूरी कैबिनेट के साथ साथ फाइनल सिग्नेचर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुए थे। अगर आपको पिन पॉइंट करना था तो इस तरीके से पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए था। अगर पॉलिसी में पूरी की पूरी कोई कमी थी, खामी थी, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव को निर्देश दिया कि वे अपने उन बयानों को हटा दें जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कोविड-19 में लाखों लोगों की मौत के लिए एलोपैथी जिम्मेदार है और पतंजलि की कोरोनिल वायरस का इलाज है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2021 में विभिन्न डॉक्टर संघों द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश पारित किया। पीठ ने रामदेव को 3 दिनों के भीतर सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं। इसने कहा कि अगर रामदेव 3 दिनों के भीतर बयानों को हटाने में विफल रहते हैं तो सोशल मीडिया मध्यस्थ इसे हटा देंगे। डॉक्टर संगो ने आरोप लगाया कि बाबा रामदेव गलत सूचना फैलाकर बड़े पैमाने पर जनता को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जिससे लोग ये कहकर अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे हैं कि एलोपैथी कोविड-19 मौतों के लिए जिम्मेदार है। मुकदमे में के अनुसार ही बाबा रामदेव न केवल एलोपैथी उपचार बल्कि अन्य कोविड-19 तरीकों की प्रभावकारिता के संबंधों में लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहे थे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते रामदेव के बयान बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित कर सकते हैं, इस तरह उन्हें एलोपैथी उपचार चुनने से विचलित कर सकते हैं, जिससे सरकार द्वारा भी देखभाल के मानक के रूप में निर्धारित किया गया है। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अफजाल अंसारी की सजा पर आए फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा रद्द कर दी है। साथ में हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका को मंजूर कर दिया है। बता दें आपको कि इसके साथ ही गैंगस्टर मामले में विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई गई 4 साल की सजा रद्द हो गई है। अब अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत में सुनाया और अफजाल अंसारी को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद लगाई शुरू हुए गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार को कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए फिर से सुनवाई के लिए मामले को हाईकोर्ट वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित किया था। अफजाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने बहस करते हुए तर्क दिया था कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के कारण शुरू हुए गैंगस्टर की कार्रवाई अवैधानिक है, क्योंकि अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो चुकी है। सांसद अफजाल अंसारी जी को किया था, उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, हमारी वो अपील अलाउ कर दी। सरकार की तरफ से जो सजा बढ़ाने की अपील थी उसको खारिज कर दिया और मिस्टर पीयूष राय की तरफ से जो रिवीजन था उसको भी खारिज। आर्गुमेंट्स अदालत ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को बड़े धैर्य से और कई दिनों तक सुना था और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी आर्गुमेंट्स को स्वीकार किया है और अपील अलाउ किया। अब किन किन आधारों को लिया गया वो तो जजमेंट जब अपलोड होगा तब भी हम आपसे शेयर कर पाएंगे। वैसे तो आपसी समझौते से सौहार्दपूर्ण माहौल में पक्षकारों के रजामंदी से विवाद निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर तक लोक अदालतों का आयोजन होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से शुरू हुई 5 सदस्यीय
विशेष लोक अदालत कुछ खास है। सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ पर पहली बार 5 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है और इसी संदर्भ में सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा सीजीआई ने। मैं सोचता हूं कि आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लंबित हैं कोर्ट्स में, उनको जरूरत जरूर लोक अदालत पे आना चाहिए, क्योंकि उनको शीघ्र न्याय मिल सकता है और उनके मन जैसा न्याय मिल सकता है। बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ लोक अदालत इज दैट इट इज कंसेंसुअल। हम इसलिए बैठते हैं यहाँ पर कि हम दोनों पक्षों को एक साथ लाने की जरूरत को कोशिश करते हैं, ताकि वो इन मामलों को निपटा सकें। छोटे छोटे मामले होते हैं, पर हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा मामला होता है। मान लीजिए किसी का पेंशन है, किसी के मोटर एक्सीडेंट का कॉम्पनसेशन क्लेम है, या किसी की ज़मीन ले ली गई है और ज़मीन के लिए उनको मुआवजा चाहिए। तो इन सब मामलों में मैं सारे नागरिकों से ज़रूर यही विनंती है मेरी कि वो लोक अदालत में आते रहें और उनके मामलों का शीघ्र हम निवारण कर सकें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के लिए संभावित खतरा है, तो ऐसे व्यक्ति के हथियार लाइसेंस को रद्द कर सकता है। इसी संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि हथियार के लाइसेंस कब हो सकते हैं रद्द। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिसेंटली अफर्म किया है कि आर्म्स लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स दैट अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये पता चल जाता है कि लाइसेंस होल्डर किसी भी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या पब्लिक सेफ्टी या पीस के लिए थ्रेट है। इन द केस ऑफ माजिद खान वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट हेल्ड दैट आर्म्स लाइसेंस कैंसिलेशन किया जा सकता है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट और थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी एंड पीस पे बेस्ड था एज पर आर्म्स एक्ट 1959 एंड द आर्म्स रूल्स 2016। अदर रीजंस जिनके बेसिस पे आर्म्स लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, हियर आर सम ऑफ देम। फर्स्ट, अगर लाइसेंस होल्डर इनएलिजिबल हो जाता है तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इनएलिजिबिलिटी तब ऑकर हो सकती है जब एक पर्सन को आर्म्स एक्ट के अंदर प्रोहिबिट किया जाता है फ्रॉम अक्वायरिंग, पजेसिंग और कैरिंग आर्म्स और अम्यूनिशन। पॉइंट टू, अगर इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड हो। पॉइंट थ्री, अगर लाइसेंस होल्डर के पास फायर आर्म की कोई जेन्युइन नीड नहीं हो। एंड पॉइंट फोर, द अथॉरिटी लाइसेंस कैंसिल कर सकती है अगर ये कंक्लूड हो जाता है कि लाइसेंस होल्डर के एक्शंस और क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।